गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम एक बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, उपसर्ग। आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा तो आज हम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। ये आपके बोर्ड में काम आएगा, जो भी फोर्थ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। उनको फिफ्थ में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो फिफ्थ क्लास में है उनको भी, और जो सिक्स सेवन्थ एट्थ में है उनको भी ये काम में आने वाली चीज़ है। हमेशा ये आता ही है उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, उप प्लस सर्ग, ठीक है। अब यहां पर उप का मतलब क्या है, उप का मतलब होता है समीप या पास, और सर्ग का मतलब होता है नए अर्थ बनाना, नए अर्थ बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी, वे शब्द किसी शब्द के आगे लगकर, है ना, किसी भी शब्द के आगे जुड़कर नए अर्थ बनाना क्या है, उपसर्ग है। समझ में आया, उपसर्ग किसी भी नए शब्द के, किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और नए, उसका नया अर्थ बताते हैं। जैसे कि उप, ये उपसर्ग है, प्लस कार, तो क्या होगा, बराबर उपकार। अब ये आ उपसर्ग है प्लस कार, तो नया शब्द क्या हो गया, आकार। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर खूब सारे उपसर्ग हैं, ए आ अन अनु अप उप नी निर निस दूर दुस, ये सारे उपसर्ग हैं और इनसे बनने वाले ये शब्द हैं, ठीक है। इनको सबको आपको कॉपी में लिखना है। जैसे ए उपसर्ग है, ऐसे हमने बनाया अजर अमर, अथा है अमूर्त अज्ञान, आ से बनाया आजीवन आगमन आजन्म आदान, अन से बनाया अनपढ़ अनजान अनगिनत अनबन, अनु से बनाया अनुज अनुगमन अनुकरण, अप से बनाया अपयश अपमान अपशब्द अपहरण, उप से बनाया उपसर्ग उप प्रधान उपदेश उपकार, नी से बनाया निबल निडर निवेदन निवास, निर से बनाया निर्बल निर्भय निर्मल निर्वासन, निस से बनाया निश्चल निश्चल निष्फल निष्कासन, दूर से बनाया दुर्गम दुर्दशा दुर्विचार दुरुपयोग, दुस से बनाया दुष्कर दुष्कर्म दुस्साह दुष्प्रचार, ठीक है बच्चों। तो ये है अपना उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग वाला पाठ यहाँ कंप्लीट है, और ये सारे जितने भी उपसर्ग हैं ये आपको लिखने हैं, और इनको नए शब्द बनाना, और भी नए शब्द बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चों, बाय।